तो गाइस आज के शुरू पर हम सीखने वाले मोंटास थंबनेल क्रिएट करना, और अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो आप इस तरह के सेम अपने यूट्यूब वीडियो के लिए क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और ये कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान तरीके से यहाँ पर मैंने सिखाया है। सो उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन ओपन कर देना है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से न्यू टेक्स्ट पर डबल टैप कर देना है, और जो भी आप टेक्स्ट टाइप करना चाहते हो तो वहाँ पर टाइप कर सकते हो। सो फिलहाल यहाँ पर टाइप करने के बाद इसको यहाँ से कर देना डन। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी साइज इंक्रीज करके यहाँ से ए बी फॉन्ट वाले ऑप्शन पर आपको जाना है, और उसके बाद कुछ इस टाइप का यहाँ पर मैं फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो उसके बाद इस टाइप का फॉन्ट को यूज़ करने वाले हैं, और थोड़ी सी साइज़ कम करके यहाँ से मिडल में इस तरीके से सेट कर देना है। और उसके बाद फिर से एक टेक्स्ट हमें ऐड करने वाले हैं, तो उसके लिए टेक्स्ट में जाएंगे और डबल टैप करके यहाँ से स्किल टाइप हम टाइप कर देंगे। सो अंडर रेटेड स्किल यहाँ पर हम टाइप करने वाले। तो कुछ इस तरह से टाइप करने के बाद इसको यहाँ से कर देंगे डन। और उसके बाद सेम प्रोसेस ऐसे सेम यहाँ से ए बी फॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और सेम फॉन्ट हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसका बैकग्राउंड आपको ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए इस वाले आइकन पर जाकर ट्रांसफर वाले आइकन पर टैप कर देना, और थ्री डॉट में जाकर यहाँ से एक्सपोर्ट इमेज में जाना है, और डायमेंशन को यहाँ से अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी यहाँ पर कर देना है। तो ये पिक्सेल ऐप का काम हो चुका है। अब चलते हैं पीएसएस एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर ओपन कर देना है, उसके बाद यहाँ से प्लस वाले आइकन पर आपको टैप कर देना है, और वहाँ पर आपको वेट एंड हाइट को यहाँ से चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ से 1920 का एक प्रोजेक्ट लेना है, और यहाँ से 1080 का हाँ, और इसको कर देंगे यहाँ से ओके। तो यहाँ पर एक ब्लैंक प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस वाले आइकन पर जाके जैसे फोटो लेयर में जाना है, और इस वाले स्क्रीनशॉट को आपको ऐड कर देना है। और जो भी यहाँ पर मटेरियल यूज़ करने वाला हो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सो इसकी ओपेसिटी कम करके इसको मिडिल में इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देना है, हाँ कुछ इस तरीके से हाँ। और इसको करने के बाद इसको कर देंगे यहाँ से डन, और ओपेसिटी को फिर से यहाँ से इंक्रीज कर देंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ से कटआउट कर देना है, इसको जो बैकग्राउंड है उसको यहाँ से कैरेक्टर को यहाँ से पीएनजी में करना है। उसके लिए यहाँ से शो पॉइंट को ऑन करके पॉलीगन सिलेक्शन टूल की मदद से उसको यहाँ से इसको कर देंगे, यहाँ से बैकग्राउंड को इरेज कर देंगे, और जो मेन कैरेक्टर है उसकी यहाँ से पीएनजी कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको कर देना है, देखना ध्यान से आपको कर देना है, कोई भी जल्दीबाजी नहीं, आपका ये यहाँ पर थंबनेल है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर देना है, अगर ये आप कर दोगे तो आपका आधा मोंटेज थंबनेल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। सो बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पर ऐड करनी पड़ती है, तो इसे मैं जल्दी से यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये होने के बाद आपको स्टार्टिंग पुश को ये को जॉइंट कर देना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से प्लस वाले आइकन पर आपको टैप कर देना है, और यहाँ से लेयर फॉर्म सिलेक्शन आपको कर देना है। तो हाँ, और कर देने के बाद आप देख लेते किस तरीके से ये पीएनजी हो चुकी है, हाँ, और थोड़ा सा यहाँ पर पार्ट रह चुका है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इस पर इस तरीके से आपको टैप कर देना है, और इसको भी यहाँ से कट कर देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से पेंसिल वाला आइकन आपको दिख रहा है ऊपर में, उस पर आपको टैप कर देना है, और यहाँ से इसको कर देना है यहाँ से क्लियर। और उसके बाद एक देख लेते किस तरीके से ये क्रिएट हो चुका है। चाहो तो आप कौन सा अदर एप्लीकेशन की मदद से भी इसका बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो, और फिर से इस तरीके से ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो इस तरीके से आप कर देना थोड़ा सा टाइम लेके। और उसके बाद ऐसे इफेक्ट में जाके इसका कलर चेंज करने के, तो सबसे पहले यहाँ से ल्यूमिनिसिटी को जीरो कर देना है, और ऐसे पेंसिल टूल की मदद से यहाँ पर जो कैरेक्टर ऊपर कलर है तो वो इस तरीके से आपको यहाँ पर पिक कर देना है। तो देख लेना कुछ इस तरीके से, और उसके बाद इसको कर देंगे डन। और फिर से ऐसे इफेक्ट में जाकर ऐसे लाइट वाले ऑप्शन पर आपको दिख रहा है, उस पर आपको टैप कर देना है, और कुछ इस तरीके से आप थोड़ी सी यहाँ पर जो बॉर्डर टाइप का दिख रहा है उसके कम करके अपने कैरेक्टर के पिछले हिस्से में इस तरीके से आपको इसको प्लेस कर देना है। सो हाँ, और उसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले आइकन पर आपको टैप कर देना है, और ऐसे फोटो लेयर में जाना, और इस वाले पिंज को ऐड कर देना है। और जो भी यहाँ पर मैं मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके बाद कुछ इस तरीके से पीछे के साइड इस तरीके से आपको प्लेस कर देना है, और फिर से फोटो लेयर में जाके इस वाले पीएनजी को ऐड कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर जाके ऐसे डिन एंड डॉज इसको ऑन कर देना है, हाँ और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद इसको टैप कर देना है अपने कैरेक्टर के ऊपर, उसको सेलेक्ट पिक्सल यहाँ पर कर देना है, नहीं सेलेक्ट पिक्सल आपको नहीं करना है, उस पर सबसे पहले इसको यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर यहाँ पर कर देना है, और जो पिछले डुप्लीकेट लेयर हो चुका है कैरेक्टर को उस पर आपको सेलेक्ट पिक्सल करके ऐसे फिल एंड स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर जाना है, और ऐसे इस वाले जो हमने कलर लिया था उसको यहाँ पर पिक कर देना है, हाँ ये कलर पिक कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ी सी डार्क टाइप करके इसको कर देंगे डन, और उसके बाद यहाँ से लेयर में जाके लेन एंड इसको ऑन कर देना, और यहाँ से इफेक्ट में जाके ऐसे गोशन बुलर आपको अप्लाई कर देना है कुछ इस तरीके से,
हाँ तो देख सकते हो कैरेक्टर के पीछे इस तरीके से एक लाइट इफेक्ट ऐड हो चुका है। चाहो तो आप इसे डुप्लीकेट कर देना अपने हिसाब से। हाँ तो और भी ज़्यादा यहाँ पर ग्लो इफेक्ट ऐड हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले आइकन पर जाना और इसको ऊपर की साइड लेके जाना है। हाँ और देख लेना काफ़ी ज़्यादा ऑसम दिख रहा है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो हमने पेज ऐड किए थे उसके डुप्लीकेट भी कर देना। और आपको जो ज़्यादा ग्लो चाहिए तो एक एक मटेरियल को इस तरीके से आप डुप्लीकेट कर सकते हो। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले आइकन पर आपको टैप कर देना है अपने कैरेक्टर के ऊपर। उसके बाद इसको प्लस में जाके यहाँ से डुप्लीकेट लेयर यहाँ पर कर देना है और इसको यहाँ पर लीनियर डॉज इसको ऑन करके एफएक्स में जाके यहाँ से गोशन ब्लर यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो हमारे देख सकते हो कैरेक्टर के ऊपर इस तरीके से एक चमक यहाँ पर आ चुकी है और थोड़ी सी इसकी ऑपेसिटी भी यहाँ पर कम कर देना। तो अपने हिसाब से यहाँ पर कर देना जो आपको अच्छा लगे। तो उसके बाद इस तरीके से आपको कर देना तो थोड़ी सी यहाँ पर ग्लो इफेक्ट ऐड हो चुका है ज़्यादा ही, थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टार्टिंग लेयर पर जाना है ऊपर की और ऐसे एक एम्प्टी लेयर आपको लेनी है और सिलेक्शन टूल की मदद से कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है। हाँ और उसके बाद ऐसे एंड में जाके ऐसे फिल कर देना है इस तरीके से कलर के कलर जो हमने सेम लिया था उसको, और इसको थोड़ी सी ऑपेसिटी कम करके इसकी लीनियर डॉज इसके ऑन कर देना और कुछ इस तरीके से। हाँ ये रहेगा ठीक। और कुछ इस तरीके से रोटेट करके इधर के साइड इसको प्लेस कर देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी यहाँ पर मैं कम कर देता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से ऐसे प्लस में जाके फोटो लेयर में जाना है और इस वाली पिंज को आपको ऐड कर देना है और उसके बाद इसकी भी लीनियर डॉज इसको ऑन कर देना और ओपेसिटी को कम कर देना है। तो उसके लिए हमने इसको स्टार्टिंग पोजिशन पर जो हमने लिया था पिंज की, तो उसकी इसको प्रेस करके इसकी साइड लेके आएंगे इसके नीचे। तो उसके बाद इसकी थोड़ी सी और ओपेसिटी यहाँ पर मैं कम कर देता हूँ। हाँ और कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से ऐसे इस लेयर पर टैप करके फोटो लेयर में जाना है और पार्टिकल की पिंज है तो उसे यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद फिर से ऐसे लीनियर डॉज इसकी ऑन कर देना और थोड़ी सी ऑपेसिटी यहाँ पर कम कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से देखने के बाद और भी ज़्यादा यहाँ पर ऑसम दिखेगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं तो उसे ऐड करना पड़ता है तो अपने मोन्टेज थंबनेल के लिए। तो उसके बाद जो पिक्सल हमने सेव किया था उसे यहाँ पर ऐड करने के और जो अंडर रेटेड है उस पर यहाँ पर सिलेक्ट करके ऐसे लेयर फॉर्म सिलेक्शन कर देंगे और उसके बाद ऐसे स्किल को भी ऐसे लेयर फॉर्म सिलेक्शन यहाँ पर कर देना है। तो उसके बाद नीचे वाले लेयर को ऐसे कर देंगे हम क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, अंडर रेटेड पर टैप कर देना है और ऐसे पोजिशन में जाकर इस तरीके से यहाँ पर आपको रोटेट करके उसके ऊपर इस तरीके से प्लेस कर देना है। तो करने के बाद हमें क्या करना है, जो स्किल है उस पर टैप कर देना है तो उसको थोड़ा सा देर के लिए हम हाइड कर देते हैं। उसके बाद इसको सिलेक्ट पिक्सल यहाँ पर कर देना है और ऐसे फिर से इस पर टैप करके ऐसे ट्रांसफॉर्म वाले आइकन पर जाना और उसके बाद एक्सपोन को ऐसे -6% इंक्रीज़ कर देना और उसके बाद ऐसे एंड में जाना और ऐसे ग्रेनेड में जाने और उसके बाद कुछ इस तरीके से सिल्वर कलर का आपको ग्रेनेड यहाँ पर ऐड कर देना है। हाँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको कर देंगे डन। और उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से ऐसे एफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर जाना है और जाने के बाद ऐसे ड्रॉप शैडो वाले ऑप्शन पर जाना और ब्लर को ऐसे झूर कर देना और कलर को आपको जाना और ऐसे पेंसिल वाले आइकन पर आपको टैप कर देना है, जो हमारे कैरेक्टर के ऊपर हमने कर लिया था उसे यहाँ पर आपको पिक कर देना है। तो कुछ इस तरीके से थोड़ी सी। हाँ और डिस्टेंस को यहाँ से आपको अराउंड यहाँ पर 10% इंक्रीज़ कर देना है, 50% है तो यहाँ पर मैंने 10% यहाँ पर कर दिया। तो आप 10% इस तरीके से कर देना। तो थोड़ा सा यहाँ पर कलर में डार्क टाइप कर देता हूँ और डिस्टेंस को यहाँ पर 10% आपको कर देना है। तो हाँ ये अभी ठीक रहेगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, स्किल को आपको हाइड कर ही था तो उसको अनहाइड कर देना है और थोड़ी सी साइज इस तरीके से कम करके अंडर रेटेड के निचली साइड में इस तरीके से प्लेस कर देना है और एक आपको उस पर ऊपर इस तरीके से ड्रॉ कर देना है एक एम्प्टी लेयर लेके उसके नीचे साइड में और उसके बाद इस तरीके से एक ड्रॉ कर देना है और ऐसे एंड में जाके ऐसे फिल कर देना है कुछ इस टाइप से कलर के। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको नीचे की साइड लेके आना है स्किल के लेयर को नीचे की साइड और उसके बाद इस तरीके से साइज कम करके इस तरीके से सेट कर देना है। और उसके बाद आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। सो देख सकते हो यार काफ़ी यहाँ पर ऑसम एक लुक यहाँ पर आ चुका है। सो उसके बाद यहाँ से प्लस में जाके जो जो यहाँ पर चीज़ें ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो अपने हिसाब से यहाँ पर कर देना जो जो चीज़ें आप ऐड करना चाहते हो। तो हाँ तो कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हो काफ़ी यहाँ पर ऑसम यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद इस वाले आइकन पर टैप करके ऐसे सेव कर देना और इसको सेव टू गैलरी करके इसको सिलेक्ट करके ओके कर देना। तो यार देख सकते हो काफ़ी एक ऑसम यहाँ पर थंबनेल क्रिएट हो चुका है। तो वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम टिकट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।